भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, सब ने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई। और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी। अजी साहब, सरोवर टोल प्लाजा एक बड़ा मुद्दा बना, हालांकि आपने बात की है, युगल किशोर जी का कहना है कि हमने बात की है लेकिन उन्होंने मानी नहीं। कल मैंने NHAI के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है, पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द इसका फैसला। सर, आप सर पूंछ राजौरी में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद अब सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, दो आतंकी जो कि ढांगरी और उसके साथ साथ कंडी आतंकी हमले में शामिल थे मारे गए हैं, लगता है कि अब जो है माहौल जो है वो सुधरेगा, चीज़ें ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है। ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीज़न पर ज़्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है, कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। मुझे कल कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले थे, हमारे अफसरों ने भी, खासतौर से डिवीजन कमिश्नर ने मुझे ब्रीफ किया है, कल श्रीनगर पहुँच करके हम संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। एक बात का हम आश्वासन देते हैं जनता को कि उनके हितों के विरुद्ध कुछ हो ऐसा हम करना नहीं चाहते हैं। ये भी सच है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज भारत सरकार से पिछले 4 वर्षों में लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली दी गई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में हमने काफ़ी ऑगमेंटेशन किया है। मैं अनुरोध करूँगा कि जो लोग समर्थवान हैं, जो बिजली बिल दे सकते हैं, उन्हें बिजली बिल देना चाहिए। अगर गरीबों की बात आएगी तो हम जरूर एक फैसला लेंगे कि गरीबों को कैसे मदद। जनता का ये कहना